उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि 3 फरवरी को अखंड ब्राह्मण महासभा द्वारा महानगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण समाज की कई स्थानीय संस्थाएं और कई वरिष्ठ समाजसेवी तथा समाज के शुभचिंतकों के सभी युवा सदस्यों को द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि यह आने वाली 3 फरवरी को भगवान विश्वकर्मा का प्रकट्य दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में जटाशंकर से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह शोभा यात्रा सुमेर सागर, विजय चौराहा, गणेश चौक, काली मंदिर, यातायात चौराहा, गुरु तेग बहादुर सिंह चौक, धर्मशाला और विश्वकर्मा मार्ग होते हुए विश्वकर्मा मंदिर पर आकर समाप्त होगी। शोभा यात्रा समाप्त होने के पहले एक समापन सभा आयोजित की गई है, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह के पुत्र होंगे। उन्होंने बताया कि यह यात्रा जो विश्वकर्मा समाज को हानि हुई है, उसको उन्नति के मार्ग पर लाने के लिए की जा रही है। पूरा देश और विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण इस प्रयास में है कि पूरे भारत देश में जो विश्वकर्माओं का बोलबाला पहले वैदिक काल में था, वह पुनः स्थापित हो। इस अवसर पर कृष्ण कुमार शर्मा, शिव रतन विश्वकर्मा, लाली अनीता शर्मा, रवि शर्मा, राकेश शर्मा, राजीव शर्मा, जितेंद्र शर्मा मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू महासंघ जिला अध्यक्ष राजेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा ने कहा, राजेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा 3 फरवरी को भगवान विश्वकर्मा का प्रकट्य उत्सव है। इस संदर्भ में हम लोग श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर जटाशंकर से एक शोभा यात्रा आयोजित किए हैं। यह शोभा यात्रा सुमेर सागर, विजय चौराहा, गणेश चौक, काली मंदिर, यातायात चौराहा, गुरु तेग बहादुर सिंह चौक, धर्मशाला और श्री विश्वकर्मा मंदिर मार्ग होते हुए विश्वकर्मा मंदिर जटाशंकर पे समाप्त होगी। समाप्त होने के पहले एक समापन सभा होगी, जिसमें मुख्य अतिथि सरदार इंद्रजीत सिंह और पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह हैं। यह यात्रा विश्वकर्मा समाज के जो हानि हुई है विश्वकर्मा समाज को, उसको उन्नति के मार्ग पर लाने के लिए की जा रही है। और पूरा देश हम विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण इस प्रयत्न में है कि पूरे भारत देश में विश्वकर्माओं का जो बोलबाला पहले था, वैदिक काल में था, वह पुनः स्थापित हो।